तो क्या आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान पीएम इनिंग का आखिरी संडे उनका साबित होगा? इसे तस्वीरों से समझने की कोशिश करते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर 3 बजे आज वोटिंग होगी। इमरान खान ने कहा है कि वो माहिर खिलाड़ी हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जनता से सड़क पर उतरने की अपील की है। वहीं इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो संडे है वो रेड अलर्ट वाला संडे है पाकिस्तान के लिए। वहीं शेख रशीद ने कहा है कि रमजान के बाद पाकिस्तान में चुनाव हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ही कह सकते हैं सुकून वाला संडे नहीं, बल्कि बहुत सी सियासी अफरा तफरी वाला संडे साबित होने वाला है। कभी ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ हूं, ना एंटी बर्तानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। पाकिस्तान सो रहा था, पीटीआई वाले जाग रहे थे। क्या कराची, क्या इस्लामाबाद, शहर शहर तैयारी थी। कहीं इमरान के कारिंदों के काफिले नजर आ रहे थे, तो कहीं काफिलों को रोकने के लिए कंटेनर सजाते क्रेन्स फुल एक्शन में दिख रहे थे। पाकिस्तान में ये रात की हलचल दिन के दंगल की तैयारी थी, और उस तैयारी का खाका शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पर खींचा जा चुका था। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में इमरान ने खुलकर तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में इतवार को क्या होने वाला है, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक ऑडियो जरूर वायरल हो चुका है। ये इमरान की मंत्री जरदार गुल की आवाज बताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की मौसम परिवर्तन विभाग की मंत्री ये प्लानिंग बनाती सुनाई पड़ रही है कि जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की रुखसती का पैगाम लिखा जा रहा होगा, तब इस्लामाबाद की सड़कें ब्लॉक कर दी जाएंगी। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज बुलंद करें, ये जो साजिश हो रही है। इमरान का ट्रंप वाला प्लान, जिस तरीके से इमरान की पार्टी के समर्थक रात भर एक्शन में दिखे हैं, उससे अब ये खतरा बढ़ गया है कि दोपहर बाद जब पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, तो कहीं इस्लामाबाद में अमेरिका के कैपिटल हिल वाला मंजर तो पैदा नहीं हो जाएगा। जिस तरह ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का ड्रामा बनाकर रख दिया था, कहीं उसी तरह इमरान खान और उनके समर्थक पाकिस्तानी जमहूरियत में जमुरा मूवमेंट तो पैदा नहीं कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।